हो गया, चलो शुरू करते हैं। आप ये है लॉगिन वाला फॉर्म, मैं एक और फॉर्म लॉगिन फॉर्म का पहले लिसनर में चला जाता हूँ, मैं वहीं पे तो हमने लॉगिन कोड लिखा था। ये लिसनर है, कंट्रोल क्लिक करके लिसनर ओपन कर लिया मैंने। ये लिसनर यहाँ से खुला है, ये वाला लिसनर है। अब इसके अंदर ना मैसेज यहाँ से आता है, लॉगिन सक्सेस यहीं से आता है ना मैसेज। अब हमें क्या करना है देखना, लॉगिन में मैं जाऊं, पहले कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा तो ओपन डिक्लेरेशन खुल जाएगा। यहां पे हमने ट्रू फॉल्स रिटर्न किया है ना, हमें ट्रू फॉल्स अब रिटर्न नहीं करना है, उस समय मैंने कर दिया था ट्रू रिटर्न, अब हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करना है। इसको हटाऊंगा, यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा नल, NULL नल रिटर्न कर दूंगा, और बुलियन के जगह पे मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न रजिस्टर बीन, इसको कर दिया कंट्रोल वी, रजिस्टर बीन बन गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, RS नहीं, इसके ऊपर रजिस्टर बीन इक्वल रजिस्टर बीन SESSION सेशन नाम से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, ऐसे हो गया, ऑब्जेक्ट बन चुका है इसका। अब मैं क्या करूंगा, SESS सेशन डॉट सेट नेम, सेट नेम में मैं क्या सेट कर दूंगा, नेम, लेकिन वो नेम कहां से आएगा, नेम आएगा यहां से डेटाबेस से आएगा, RS.getString कर दिए। अब यहां पे मैं कॉलम का नाम लिखूंगा, कौन से कॉलम का नाम, जो डेटाबेस में कॉलम का नाम है, ये वाला कॉलम का नाम। मैंने सर्वर वगैरह स्टार्ट कर रखा है, तभी खुलेगा बीच में एडमिन। ये लो, यूजर को मैंने सेलेक्ट किया, तो यूजर में नेम है ना, ये कॉलम नेम, तो यहां से मैं लिख दूंगा नेम, हो गया नेम। अब इसी को मैं कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर लूंगा, तो यहां पे कर दूंगा ईमेल, ईमेल, और सेट नेम के जगह पे मैं कर दूंगा ईमेल, हो गया ईमेल, सेशन सेट हो गया। अब मैं सेशन को क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा सेशन को, सेशन रिटर्न हो गया ना। हमने जो लॉगिन किया उस लॉगिन का यूजर नेम को और पासवर्ड को यहाँ पे मैंने स्टोर कर लिया इस वाले बिन में, और इसको मैं रिटर्न कर दिया। अब उसके नहीं, नहीं पासवर्ड हमें जरूरत नहीं है, पासवर्ड उसने डाला था तब तो लॉगिन हुआ ना। अब हमें ईमेल और नेम को मैं बीन में रख लूंगा यहाँ पे, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स है तो इसको भी मैं नल कर दूंगा, यदि रिटर्न नल, यदि लॉगिन नहीं हो पाया तो नल रिटर्न कर दिया जाएगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं नॉट इक्वल टू नल चेक करूंगा, यदि नल नहीं रिटर्न कर रहा है तो बीन रिटर्न कर रहा होगा ना, तो नल यदि नहीं रिटर्न कर रहा है तो लॉगिन सक्सेस हो गया, और यदि नल रिटर्न कर रहा है तो लॉगिन फेल्ड हो गया, यहाँ पे लॉगिन फेल्ड का मैसेज है, इतना क्लियर हो गया ना। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एक काम और करूंगा मैं, एक काम और, वो क्या है, क्या है वो, इधर मैं आता हूं फॉर्म पैकेज के अंदर एक लॉगिन यूजर नाम का क्लास बनाता हूं, क्लास लॉगिन यूजर, और फॉर्म पैकेज के अंदर बनाऊंगा, लॉगिन पैकेज के अंदर मैं नहीं बनाऊंगा, नया पैकेज हो गया है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्राइवेट कर दूंगा, स्टैटिक कर दूंगा, और फिर रजिस्टर बीन, और यहाँ पे
सेशन वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया। अब इसका मैं क्या करूंगा, गेटर सेटर बना दूंगा एक। स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल मतलब समझ रहे हो ना, पूरा एप्लीकेशन में एक बार में एक ही यूजर ना लॉगिन करेगा, बस वही वाला बात है। सोर्स में जाऊंगा और यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट गेटर सेटर, क्लिक किया, इसमें करूंगा क्लिक, ये देखो सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑल कर दूंगा, गेटर सेटर दोनों जनरेट, गेटर सेटर जनरेट हो गया। अब लिसनर में आते हैं, लिसनर हाँ यहीं पे। और क्या मैं करूंगा, अब ये वेट वेट वेट, ऐसे नहीं होगा यार, इस कोड को ऐसे नहीं लिखना चाहिए मेरे को, कैसे लिखना चाहिए, इसको यहां से मैं कट करता हूं पहले तो, क्योंकि जो लॉगिन डाव है, डू लॉगिन मेथड है, वो क्या रिटर्न कर रहा है, कंट्रोल वन दबाया मैं तो ये बोल रहा है असाइन स्टेटमेंट न्यू वेरिएबल, इसी पे मैं क्लिक कर दिया, तो डू लॉगिन मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है रजिस्टर बिन का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ना, नहीं समझ में आया, ये देखो रिटर्न कर रहा है रजिस्टर बिन का, इस रजिस्टर बिन का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है ना मैं यहाँ पे, तो इसी को रिटर्न कर रहा है, तो मुझे रखना पड़ेगा रजिस्टर बिन में ही ना, नहीं रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इसका भी नाम सेशन ही रख दे रहा हूं, लेकिन ये देखो सेशन इसका नाम रख दिया। अब सेशन पे मैं चेक करूंगा नल है कि नहीं है, यहां पे ऐसे ठीक, यदि नल नहीं है मतलब आईडी पासवर्ड सही था, जब आईडी पासवर्ड सही था तो अब मैं क्या करूंगा, लॉग इन यूजर डॉट सेट सेशन, और सेट सेशन में मैं सेशन को पास कर दिया, यहीं से मैं ट्रैक करूंगा कि लॉग इन यूजर लॉग इन है, सेट कर दिया, मैसेज यहां पे दे दिया हूं लॉग इन सक्सेसफुल। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, अपने डैशबोर्ड को भी तो ओपन करना होगा ना, एक काम और मैं करता हूं, जो यूजर लॉगिन है ना उसका नेम भी मैं प्रिंट कर देता हूं यहां पे, तो सेशन डॉट गेट नेम, ये लो सेव कर दिया प्रोग्राम, एक बार रन करके दिखाता हूं, रन जावा एप्लीकेशन, raj@gmail.com 1 2 3 4 5 6 raj@gmail.com 1 2 3 4 5 6 हो गया, लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेस आ गया ना, यहाँ पे राज देखो आ गया, प्रिंट हो गया ना, तो डेटाबेस में राज नाम था तो राज आ गया। ये जो यहाँ पे किया हूं ना मैं rs.get_string और कोट में नंबर नेम दे दिया हूं, तो यही जो है डेटाबेस से राज को जो है निकाल रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा वाला लाइन, समझ में आ रहा वाला लाइन, आगे चलें, इस वाले लाइन में कोई समस्या तो नहीं है, ईमेल भी आ गया नहीं, तो मैंने खाली ईमेल को ही शो कराया है, यूजर नेम को ही शो कराया था ना, कहां गया, यहां पे देखो सेशन डॉट गेट नेम किया था, तो नेम में खाली रजिस्टर बिन का ऑब्जेक्ट है सेशन, सेशन से मैं सिर्फ नेम निकाला था तो नेम प्रिंट हो गया, ईमेल निकालता तो ईमेल भी प्रिंट हो जाता, तो ईमेल मैंने प्रिंट नहीं किया था, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आगे चले, आगे चला जाए, तो एक डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा ना, एक डैशबोर्ड मैं बना लेता हूं, इतने कोड को मैं करूंगा कॉपी, लॉग इन फॉर्म के अंदर से कॉपी कर रहा हूं इतने कोड को, और फॉर्म के अंदर ही एक मैं बनाता हूं डैशबोर्ड, क्लास DASBORD, यही डैशबोर्ड का स्पेलिंग है ना, जो भी होगा, डैशबोर्ड बन गया है, यहां पे मैं ext एक्सटेंड किससे कर दूंगा, JFrame से हो गया। अब मेरे को कंस्ट्रक्टर चाहिए, DA दबा के कंट्रोल स्पेस मारा तो सबसे पहले मैं हाईलाइटेड सिलेक्टेड है मेरा कंस्ट्रक्टर, कर दूंगा एंटर, बन गया,
कंस्ट्रक्टर बन गया ना। कौन सा? कौन सा? एक कंस्ट्रक्टर बना है और इसी में ये कोड पेस्ट कर दिया मैं जो कॉपी मारा था। और डैशबोर्ड का टाइटल भी सेट करना है तो सुपर कीवर्ड से मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा डैशबोर्ड ऐसे। टाइटल सेट हो जाएगा यहां से। प्रोग्राम रन करके देखें। अब देखो लिसनर में आऊंगा मैं, सेशंस इसको तो डिलीट मार देता हूं, ये डिबग करने के लिए किया था। अब देखो आप लोग यहां पे न्यू डी ए न्यू डैशबोर्ड सीधा हमारा भाई। अब डैशबोर्ड तो ओपन हो गया लेकिन जो लॉगिन फॉर्म खुला है उसको तो डिस्पोज करना ना पड़ेगा जी। हाँ, उसको तो हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा, जैसे मैं अभी करके दिखाता हूं तब शायद समझ में आए। देखो पहले तो मैं गलत दे दिया, तो ये देखो क्लिक किया फेल्ड हो गया ना लॉगिन। अब यहां पे मैं दूंगा क्या, raj@gmail.com। एक दो तीन चार पांच और फिर से लॉगिन करूंगा। ये देखो सक्सेस हुआ लॉगिन, ओके डैशबोर्ड खुल गया ना। लेकिन ये ईमेल तो लॉगिन फॉर्म को गायब हो जाना चाहिए, इसको डिस्पोज कर दिया जाए फिर। ये देखो क्लोज करूंगा तो सब गायब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे फॉर्म को। तो सबसे पहले मैं डिस्पोज करता हूँ लॉगिन फॉर्म को, जैसे वहां पे करते थे सर। हाँ हाँ, रजिस्टर वाला में। तो ये देखो यही वाला है ना लॉगिन फॉर्म, तो इस लॉगिन फॉर्म को उठाएंगे हम और यहाँ पे कर देंगे डिस्पोज डॉट। काम लिसनर में ही हो रहा है ना हमारा, ये वेरिएबल है, वेरिएबल तो ये वाला है ना जी, तो इसी को मैं करूंगा डिस्पोज। तो यहां पे आया और कर दिया डिस्पोज, डिस्पोज कर दिया। अब डिस्पोज क्या है वो तो मैं बता ही दिया था। सेशन के बाद डिस्पोज। raj@gmail.com 1 2 3 4 5 6 अब किया लॉगिन सक्सेस हुआ, डैशबोर्ड ओपन हो गया। यही हमारा लॉगिन होने के बाद ये डैशबोर्ड हमें खुलेगा। क्या? अब लॉगिन होने के बाद ये कोड खुलेगा, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा एप्लीकेशन एग्जिट हो जाना चाहिए। तो डैशबोर्ड पे मैं आता हूँ, ये देखो एग्जिट करने का यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, जैसे ही क्लिक करेंगे एग्जिट हो जाएगा। दिस डॉट मैक्सिमाइज्ड, इसका साइज कितना दे दें, चलो एक हजार हो गया, 500 हो गया, कर देंगे वो भी। हाँ, न्यू डैशबोर्ड ऐसे। यहाँ पे मैं मेन मेथड बना लिया हूँ ताकि सीधा इसी को मैं रन कर लूँ। ए यार ये तो मैंने लोकेशन में चेंजेस कर दिया है। साइज न बढ़ा रहा है, 1000 इसको कर देते हैं 500। हाँ ये कुछ ठीक है लेकिन इतना मिनिमाइज बड़ा सा रहेगा पूरा विंडो ये। तीन सौ कर तो दिया। ये हीट एंड ट्रायल की बात है, अब हीट एंड ट्रायल करके मैं यहाँ समय नहीं बर्बाद करूंगा। 200-250 कर दिया, इतना चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो ठीक है, मैं हिट एंड ट्रायल करके समय बर्बाद नहीं करूंगा।
हमें क्या करना है, हमें चाहिए एक ठो कंट्रोल जिसका नाम है टूल बार। ये देखो ये हमें चाहिए, तो इसी में इसको कॉपी पेस्ट यहां से कर ले रहा हूं। अब इसको मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है तो इसलिए मैं इसको यहां पे कर दिया। इसको मैं करूंगा ओपन और कर दिया ये। अभी एरर आ रहा है बार्स में, तो यहां पे मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा, कुछ तो होना रहा है यार। हाँ, कंट्रोल स्पेस दबाया तो ये देखो इंपोर्ट हो गया ना यहाँ पे, अब काम हमारा बन गया। अभी वेरिएबल नहीं बना है ऊपर ये बार नाम से, तो बार नाम से वेरिएबल मैं बनाऊंगा ग्लोबल, जे टूल बार स्पेस, ये हो गया, ये बन के रेडी। दिस डॉट ऐड, ऐड भी तो करना पड़ेगा ना टूल बार को, ऐड कर दिया मैं टूल बार को। अब इसको मैं रन करता हूं, देखना आप लोग, ये देखो सामने आ रहा है ना, थोड़ा बार्स टाइप में, नहीं देख समझ में आया, ये फ्लो टेबल फाल्स है, इसको मैं ट्रू करता हूं थोड़े देर के लिए। आ गया, अब इसको मैं पकड़ के करूंगा तो ऐसे हो गया। नहीं नहीं स्क्रॉल बटन नहीं है, देखो इसमें मैं बटन वगैरह सेट कर सकता हूँ, जैसे अभी दिखाता हूँ सेट करके, फाल्स कर देता हूँ, ये मेरे को पसंद ही नहीं है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ जे बटन, जे बी यू बटन, ये स्टूडेंट कॉमा, स्टूडेंट का डिटेल रख लेंगे, ये स्टाफ का भी डिटेल रख लें, ये स्टाफ का भी डिटेल रख लेंगे, लाइब्रेरी का भी रख लें डिटेल, ये लाइब्रेरी, स्पेलिंग सही है, एल आई, एल आई बी डबल आर ए, ऐसे ऐसे हो गया। छोड़ो गलत होगा तो हमारा का बिगड़ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सबका, सभी बटन्स का, और यहां पे मैं कर दूंगा ये स्टूडेंट। hey, मोबाइल वोबाइल साइलेंट कर दो, कुछ बज रहा है तो ये नहीं बजना चाहिए। स्टाफ, स्टाफ में टोटल स्टाफ आ जाएंगे, और यहाँ पे लाइब्रेरियन साहब का डिटेल्स आ जाएगा कि किताब में लाइब कितना, लाइब्रेरी में कितना किताब है, कितना नहीं है, कितना इशू कर दिया गया, समझ रहे हो। मैं नहीं बनाऊंगा ये मॉड्यूल, खुश मत हो, मैं एक मॉड्यूल खाली ये वाला बनाऊंगा, बाकी दोनों मॉड्यूल इच्छा हो तो आप लोग बनाना ये दो ठो। अब क्या करेंगे, ये तीनों बटन्स को हमें बार में ऐड करना है, कहाँ पे, बार में मतलब टूल बार में। मैं इतना बार ज्यादा बार बार कह रहा हूं ना लोग, कौन सा बार होता है जी, वो वाला बार समझ लेंगे, स्टूडेंट वो पीने वाला बार समझ लेंगे लोग। लाइब्रेरी हो गया काम, रन करके देखा जाए कैसा दिख रहा है, ये देखो सामने आ गया ना यहाँ पे बटन, इस पे क्लिक किया जाए तो एक और विंडो खुलेगा जिसमें स्टूडेंट का डिटेल्स हम भर सके, कर सके। ये आदमी क्यों बार बार घंटी बजा देता है ना, ये पहले बजा दिया, फिर स्टाफ डिटेल्स, फिर लाइब्रेरी का डिटेल्स, इसमें क्लिक करेंगे तो नया विंडो खुलेगा जो स्टाफ के बारे में होगा, समझ रहे।
बहुत देर बाद लगा है, यही लगा है, ये देखो नहीं है 15 मिनट कहाँ है सर, तब भी टाइम हो गया है। इधर 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 देखो, अब उसका काम है उसका घंटी लगाना होगा, क्या करोगे? ये स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे हम तो एक और विंडो ऐसा ही खुलेगा, उसमें क्या रहेगा, ये स्टूडेंट का सारा डिटेल्स हमें दिखेगा, कितने स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, और उस विंडो में एक और बटन होगा जिसको पे क्लिक करेंगे हम तो स्टूडेंट को एडमिशन लेने का प्रोसेस शुरू होगा। समझ रहे हो? आप लोग एक काम करना, ये सामने जो डैशबोर्ड दिख रहा है ना, ये थोड़ा सादा सादा मजा नहीं आ रहा है, कॉलेज के जो बाहर है ना रानी दुर्गावती कॉलेज लंबा चौड़ा लिखा है, तो फ्रंट से मोबाइल से एक फोटो खींच लेना और बस उसी फोटो को यहाँ पे वॉलपेपर में लगा देंगे, ठीक रहेगा? वॉलपेपर नहीं सर, ऊपर वाले में। नहीं, यहाँ पे वॉलपेपर में ठीक रहेगा, यहाँ पे होगा। अच्छा, ये जो एरिया खाली का फोटो सामने से खींच लेना फोटो कॉलेज का और यहाँ पे लगा देंगे, इसमें तीनों लोग चालू जितना है अब देख लेना अपने हिसाब से, होना तो चाहिए अपना फोटो। ऐसे इसको रोक दे रहा हूँ यार थोड़ी देर के लिए, फोटो खींचना है तो नहीं बनाया, बना लो बाबू लोग, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बाद में, तो पूछना ना चाहिए था इस आदमी से, पूछते थे। ये देखो मैंने पहले लॉग इन डाउन में मैं जाता हूँ, लॉग इन डाउन में मैंने ये चेंजेस करा है, उस दिन तो मेट्रो पास में दिखा दिया था, लेकिन अभी और भी इसमें होगा। ये हो गया डाउ वाला, डाउ के बाद आएगा लॉग इन लिस्टनर में, और यहाँ पे मैंने ये चेंजेस करा है, लेकिन ये वाला क्लास आप पहले बनाओगे तब यहाँ पे ये वाला कोड लिखा जाएगा। इसमें मैं कंट्रोल क्लिक किया तो ये देखो मिल गया क्लास, एक क्लास बना है, अलग पैकेज बना, ये हो गया जी। अबे न्यू डैशबोर्ड जो ये लॉगिन फॉर्म डिस्पोज मारेंगे फिर लॉगिन वाला ये डैशबोर्ड ओपन कर देंगे तुरंत, लेकिन डैशबोर्ड में कोड क्या है, ये कोड है पूरा डैशबोर्ड में। हाँ सब हो ही गया है, डैशबोर्ड किसने बनाया है सर, कौन सा पैकेज? ठीक है ना, करने दो, बंद कर दो, इसको बंद कर देता हूँ।